डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। इस स्टोरी में हमें फर्स्टली शहनाई के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। सेकेंडली राइटर हमें बिस्मिल्ला खान के बारे में बताते हैं कैसे वो ऑर्डिनरी मैन से लेजेंडरी शहनाई प्लेयर बने। लेजेंडरी मीन्स एक्सट्रीमली फेमस। लेट्स कम टू द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। नंबर वन, बिस्मिल्ला खान। इनका बर्थ March 21, 1916 में बिहार के दुमराव विलेज में हुआ था। सेकंड, एम्परर औरंगजेब। ही वाज फेमस मुगल एम्परर। इन्होंने पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने पर बैन लगा दिया था क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी श्रील थी। श्रील मीन्स हाई पिच्ड साउंड। नंबर थ्री, रसूल बख्श खान। ये बिस्मिल्ला खान के ग्रैंडफादर थे। नंबर फोर, पैगम्बर बख्श, बिस्मिल्ला खान्स फादर। नंबर फिफ्थ, अली बख्श, बिस्मिल्ला खान के मैटरनल अंकल अली बख्श खान थे। नंबर सिक्स, उस्ताद फैयज खान। ये इंडियाज वेल नोन म्यूजिशियन थे। नंबर सेवन, विजय भट्ट, फिल्म प्रोड्यूसर विजय भट्ट। इनकी फिल्म गूंज उठी शहनाई में बिस्मिल्ला खान ने शहनाई प्ले की थी। नंबर एट, विक्रम श्रीनिवास। ये तमिल फिल्म प्रोड्यूसर हैं। एंड नंबर नाइन, किंग जहीर शाह। ये अफ़गानिस्तान के राजा थे और बिस्मिल्ला खान के ग्रेट एडमायरर भी थे। लेट्स रीड द स्टोरी। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने, राजा जो रूलर थे, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के बजाने पर, रॉयल जगह पर बजाने पर बैन लगा दिया था। लेट्स रीड द स्टोरी। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हो तो आपको या तो कोई वेडिंग याद आ जाती है या फिर इसी से रिलेटेड कोई फंक्शन याद आता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और दूसरी हमारे दिमाग में उस्ताद बिस्मिल्ला खान की इमेज बन जाती है, द शहनाई माएस्ट्रो, जो कि बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर थे शहनाई को बजाने में, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। जो औरंगजेब रूलर थे उन्होंने पुंगी को बजाना शाही रेजिडेंस में बैन कर दिया। इसका एक कारण था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी ही श्रिल, मीन्स हाई पिच्ड वाली साउंड थी, और इसलिए इसको शाही रेजिडेंस में बजाने से मना कर दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। रीडिड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लकड़ी के बने हुए थे, चाहे वो बांसुरी है या फिर वो क्लेरिनेट है या फिर वो बीन है, उन सबको एक जेनरिक नेम दे दिया गया, पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स केम बैक टू लाइफ। किसी ने शायद ही उस समय सोचा हो कि जिसको राजा ने बैन कर दिया है वो दोबारा, इट विल केम बैक टू लाइफ, इट विल बी प्लेड अगेन। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक बार्बर जो कि म्यूजिशियन, जिसकी फैमिली में सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, उनकी जो है रॉयल पैलेस में, महल में काफ़ी पहुँच थी। He decided to improve the tonal quality of the pungi. उन्होंने decide किया कि हम इसकी vocal को improve करेंगे, pungi की vocal को improve करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem. उन्होंने एक ऐसा pipe choose किया जो लकड़ी का बना हुआ था और अंदर से बिल्कुल खाली था। That was longer and broader than the pungi. और वो pungi से थोड़ा लंबा और broad था। And made 7 holes on the body of the pipe. उन्होंने इस पाइप के ऊपर 7 होल किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उन्होंने बार बार इस, वो जो होल किए थे उनको बंद किया, खोला, इस तरह से
साउंड प्रोड्यूस की तो वो बड़ी ही स्वीट साउंड थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और जब उन्होंने रॉयल्टी मींस मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो सारे के सारे बड़े ही इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से थोड़ा सा ही अलग था, अब उसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि सुना जाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी। चैम्बर होता है लार्ज रूम यूज फॉर फॉर्मल इवेंट्स। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई मीन्स बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो शाह जो है मुगल पीपल अपने राजा को बुलाते थे और ये एक बार्बर के द्वारा प्ले की गई थी, तो इसी पे इसका नाम रख दिया गया शहनाई। आपको बुक में पिक भी दिखाई दे रही है, पुंगी कैसी दिखाई दे रही थी और शहनाई कैसी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। धीरे धीरे शहनाई की जो साउंड है उसको ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, गुड फॉर्च्यून देने वाली समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो नॉर्थ इंडियन जो शादियाँ होती हैं उसमें ये और मंदिरों में ज़रूर बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत मीन्स ट्रेडिशनल एनसोम्बल। एनसोम्बल होता है इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स, जो नौ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका एक हिस्सा थी पुंगी, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि शाही दरबार में मिलते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक सिर्फ इसको मंदिरों और शादियों में प्रयोग किया जाता था, उसके बाद ये उन नाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा बन गई। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का सारा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो बिहार में जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान हैं वह वहाँ पर एक स्मॉल स्टेट है दुमराव, वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा क्रिकेट के जैसा ही है, ही वुड सिमिलर है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और वहाँ भोजपुरी चैत्य सॉन्ग गाते थे, और जिसके बाद उनको एक लड्डू मिलता था जिसका वज़न कितना होता था 1.25 kg, 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जो लोकल महाराज है वो इनाम के रूप में उनको एक लड्डू देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात थी। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और 80 years के बाद इस इंसिडेंट की, लड्डू वाली इंसिडेंट के बाद के 80 साल बाद उनको हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, द भारत रत्न। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्ला खान की फैमिली में बिहार में सभी जो है वेल नोन फेमस म्यूजिशियन थे, और इनका बर्थ 21 मार्च 1916 में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी रसूल बख्श खान, वो भी भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई नवाज थे। His father पैगम्बर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई players। और इनके father और इनके जितने भी paternal ancestors थे वो भी बड़े ही great शहनाई player थे।
द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और इन्होंने भी काफ़ी कम उम्र में ही शहनाई प्ले करना सीख लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। काफ़ी कम उम्र में ही इनका म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट था। जब 3 साल की उम्र में इनकी मदर इनको बनारस लेकर जाती है, जो आजकल वाराणसी कहलाता है, बिस्मिल्ला खान जो है अपने अंकल को, जब मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव फील करते हैं और बिस्मिल्ला खान जो है वो अपने अंकल के साथ जाते हैं। बिस्मिल्ला खान स्टार्टेड अकम्पनी मीन्स गोइंग इन द कंपनी ऑफ हिज अंकल। तो वो अपने मामा जी अली बख्श के साथ जो है जहाँ पर वो शहनाई बजाने के लिए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। विष्णु टेम्पल में वो भी जाते हैं जहाँ पर कि अली बख्श को शहनाई प्ले करनी होती थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन चार्म्ड फॉर आवर्स ऑन एंड। ऑन एंड मीन्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो काफ़ी लंबे समय तक अपने अंकल को शहनाई प्ले करते हुए सुनते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी समय तक इसकी प्रैक्टिस करते रहते। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब लर्नर। फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स मीन्स फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेले में। वो काफ़ी लंबे समय तक जो है बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया में के टेम्पल में और गंगा नदी के किनारे पर इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई प्ले करने की। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। इन्होंने सिर्फ शहनाई को प्ले करने ही नहीं सीखा बल्कि काफ़ी राग जो है वो खोजे जो कि शहनाई पर प्ले किए जा सकते थे, दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज। पहले ये समझा जाता था कि ये शहनाई पर प्ले किए ही नहीं जा सकते, दीज आर आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द शहनाई। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब वो 14 ईयर्स ओल्ड थे तो वो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और वहाँ पे जैसे ही उनकी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस फिनिश होती है, उस्ताद फैयज खान उनका बैक थपथपाते हैं और कहते हैं कि आप मेहनत करो और आप ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। लेकिन उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी तब मिली जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पर शहनाई प्ले करते हुए उन्हें अक्सर सुना जाता था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the India with his shehnai. जब भारत को आज़ादी मिली 15th August 1947 में, तो वो पहले शहनाई प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया का अभिवादन किया। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru. उन्होंने लाल किले से सारी ऑडियंस को अभिभूत कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से, और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने उनके तुरंत बाद अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मीन्स टू मेक ए सीक्रेट डील विद समथिंग दैट इज डेस्टिन्ड फॉर अस। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्ला खान ने भारत में
और फॉरेन लैंड पर काफ़ी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन मीन्स अट्रैक्टेड बाय द माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मीन्स एक्सपर्ट इन म्यूजिक, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सुविने मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस पर्सन और इवेंट। तो वो उनको बेशकीमती कारपेट्स और कुछ वस्तुएं वहाँ अफगानिस्तान में उनकी परफॉर्मेंस की यादगार में देते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाज की म्यूजिकल परफॉर्मेंस से फैसिनेटेड नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाज प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट उनकी परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया एंड द फिल्म वॉज ए हिट। हिट मीन्स सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। वो फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही और बड़ी ही पॉपुलर हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाज खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। और उनकी जो कंपोजिशन जो उन्होंने कंपोज किया था सॉन्ग वो काफ़ी फेमस हुआ, टर्नड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। तो उन्होंने सारे हिट होने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन हर सेल्युलॉयड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। सेल्युलॉयड मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। तो बिस्मिल्ला खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्होंने सिर्फ टू ही फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंस दी है, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। तो बिस्मिल्ला खान जी कहते हैं कि मैं जो है फिल्म वर्ल्ड के आर्टिफिशियल और अट्रैक्शन से भरे हुए अननेचुरल वर्ल्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मीन्स इन ए लार्ज नंबर मैनी। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद उनके पास काफ़ी अवार्ड्स और ऑनर्स जो है आते रहे और वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कान आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Masiqi Ustad Bismillah Khan. Tehran is located in Iran. ये ईरान में है। तो वो इतने famous हुए कि उनके नाम से जो है एक auditorium बना दिया गया तेहरान में जिसका नाम था ताहर मसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड ऑन मीन्स गिवन। उनको नेशनल अवार्ड्स मिले जैसे पद्मश्री पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, द भारत रत्ना। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। कोवेटेड मीन्स मच डिजायर्ड। तो वो कहते हैं कि अपने बच्चों को
जो है हमें म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का रिच ट्रेडिशन है, और इवन जो वेस्ट है वो भी हमसे हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फोंडली कॉल्ड, फोंडली मीन्स अफेक्शनेटली, इज़ एक्सीडिंगली फोंड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मेरे लिए बनारस और दुमराव ये दोनों ही टाउन कस्बे जो हैं संसार के सबसे वंडरफुल कस्बे हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो एक उनका एक स्टूडेंट जो है यूएसए में उनको बुलाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर टेम्पल्स जो है बनवा दूंगा और वही एनवायरनमेंट जो कि बनारस में है वही क्रिएट कर दूंगा अगर आप यहाँ पर आते हो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या आप इंडिया से गंगा रिवर को यूएसए में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरन कंट्री आई कीप यर्निंग, यर्निंग मीन्स इंटेंस लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा होना, टू सी हिंदुस्तान। कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान में जाऊँ देखूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथा ऑफ दुमराव, यूनिक मीन्स अनमैस्ड, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव को मिस करता हूँ। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन्ड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता बिस्मिल्ला खान से क्वेश्चन करते हैं कि जब विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, क्या आप और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के लिए नहीं सोचा। बिस्मिल्ला खान, गॉड फॉरबिड मी, भगवान माफ करे, लीव बनारस नेवर, बनारस छोड़ना कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ मैं अभी कभी पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, लगभग एक घंटा मैं वहाँ रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों को मैंने नमस्कार बोला, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं खूब हंसा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवाइड का मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन। वो मुस्लिम रिलीजन में स्ट्रांगली बिलीव करते थे, उसके लॉज को फॉलोज करते थे। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है शहनाई प्ले करते थे। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जीवन जो है इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो सारे मुस्लिम लॉज को फॉलो करने के बावजूद एक फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलोंग्ड इलनेस। लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है नहीं रहे। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। दैट्स अबाउट द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट टू। थैंक्स।